सनी देओल एक जमाने में बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। उन्हें अपने करियर में कई ऐसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने को मौका मिला। इनमें से कई हीरो ऐसे भी रहे जिनके साथ दर्शकों ने उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया। यही वजह है कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन आज हम आप लोगों को उन हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके साथ सनी देओल की फिल्में हमेशा फ्लॉप रही। बिल्कुल, इनमें सबसे पहला नाम आता है अक्षय का। साल 2002 में राजकुमार कोहली ने के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और सनी देओल की फिल्म जानी दुश्मन एक एक्शन फिल्म थी, जिसे दर्शकों ने कमजोर कहानी की वजह से बिल्कुल भी नापसंद किया। बता दें कि 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 11 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा अगला नाम है अजय देवगन का। फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में अजय देवगन और सनी देओल के साथ एक साथ अभिनय किया था दोनों ने। फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई। ये फिल्म ये साल 2001 में रिलीज हुई थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये फिल्म को बनाने में 9 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन इस फिल्म ने कमाई महज 8 करोड़ की थी। इसके अलावा अगला नाम आता है सैफ अली खान का। इस लिस्ट में बॉलीवुड के जाने माने स्टार सैफ अली खान भी शामिल है। जी हाँ, सनी देओल और सैफ अली खान ने 1994 में रिलीज हुई फिल्म इम्तिहान में साथ काम किया, लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को बिल्कुल भी नकार दिया और ये फिल्म अपनी लागत से भी नीचे चली गई थी। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।